Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays I am discussing topics over secondary education, in which I have already discussed linkage between secondary education and higher education. This time I am going to discuss quality parameters in secondary education. And the lecture will be useful to you, for you all as usual. And the lecture will be in bilingual mode. बात हो रही है quality parameters in secondary education की, मतलब माध्यमिक शिक्षा में वो कौन से parameters है जो ये बताएंगे कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, यानी कि अच्छी शिक्षा है. quality education हम secondary level पर दे पा रहे हैं कि नहीं, इसको तय करने के parameters क्या हैं. ओके, तो बात करते हैं क्वालिटी कंसर्न्स इन एजुकेशन की, मतलब कि वो कौन सा सरोकार के वो कौन से मुद्दे हैं जिनसे क्वालिटी का लेना देना है शिक्षा में. तो क्वालिटी जो है वो ऐसा शब्द है जिसका डेफिनेशन बहुत मुश्किल है, बिकॉज जैसे कि ब्यूटी की डेफिनेशन मुश्किल है, उसी तरह से क्वालिटी की भी डेफिनेशन मुश्किल है. क्योंकि मुझे कोई चीज़ क्वालिटेटिव लग सकती है, आपको नहीं लग सकती है. आपको कोई चीज़ बहुत बढ़िया लग सकती है, मुझे नहीं लग सकती. मतलब हमारे पैरामीटर्स अलग अलग हैं नापने के. इसलिए पहले तो क्वालिटी को डिफाइन किया जाए. तो द एम्स ऑफ एजुकेशन रिफ्लेक्ट द करेंट नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ ए सोसाइटी एज वेल एज इट्स लास्टिंग वैल्यूज एंड द इमीडिएट कंसर्न्स ऑफ ए कम्युनिटी एज वेल एज ब्रॉड ह्यूमन आइडियाज. कह रहा है कि अगर हम शिक्षा का उद्देश्य देखना चाहें, शिक्षा का उद्देश्य रिफ्लेक्ट करता है किस पर, कि जो भी हमारा समाज है उसकी करंट नीड्स और एस्पिरेशंस क्या है, मतलब तात्कालिक उसकी आवश्यकताएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, एज वेल एज इट्स लास्टिंग वैल्यूज, मतलब वो कौन से मूल्य हैं जो सतत अनवरत चले आ रहे हैं उस समाज में, एंड द इमीडिएट कंसर्न्स ऑफ ए कम्युनिटी एज वेल एज ब्रॉड ह्यूमन आइडियल्स. और वो जो समुदाय है उसका तुरंत का कंसर्न क्या है, और हमारे जो विस्तृत मनुष्य के आदर्श है वो क्या है. इन सब से शिक्षा के उद्देश्य का लेना देना रहता है. और क्वालिटी क्या है? क्वालिटी हैज बीन एक्सटेंसिवली डिफाइंड एज मीटिंग एक्सीडिंग एंड डिलाइटिंग कस्टमर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस विद द रिकॉग्निशन दैट दीज नीड्स एंड डिजायर्स विल चेंज ओवर टाइम. मतलब समझ में आया? देखिए, कस्टमर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन से ये डेफिनेशन ली गई है. इसका मतलब कि ये डेफिनेशन मैनेजमेंट में दी गई है, यानी कि क्वालिटी कंसर्न्स के मुद्दे मैनेजमेंट में ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं. हम इसको एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए कस्टमर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट हो जाएगा, पेरेंट हो जाएंगे, है ना. तो क्वालिटी का मतलब ये कह रहे हैं कि गुणवत्ता को आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जो कस्टमर है, जो लेने आया है शिक्षा, उसकी जो आवश्यकताएँ हैं, उसकी जो अपेक्षाएँ हैं, उस को मिलना, मतलब उससे मेल खाना, या उससे ऊपर चले जाएं आप, एक्सीड कर जाएं और आप खुश कर दें अपने कस्टमर को. इसके साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो नीड्स और डिज़ायर्स हैं किसकी, कस्टमर की, वो चेंज भी होगी. ऐसा नहीं है जो आज बच्चे की डिमांड है वही कल भी रहेगी. तो इतना अपडेटेड अगर हम दे पाएँ क्या आउटकम सेकेंडरी एजुकेशन में, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वालिटी वाली सेकेंडरी एजुकेशन है, क्वालिटी से लैस है, गुणवत्ता पूर्ण है. सिंस एजुकेशन इज गोल ओरिएंटेड, देयरफॉर वन न्यू पॉइंट ऑफ लुकिंग एट क्वालिटी कैन बी द गोल. वो कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा जो है वो लक्ष्य आधारित होती है ना, लक्ष्योन्मुख होती है, मतलब हमारा कोई लक्ष्य होता है जिसकी तरफ हम जाते हैं. तो एक दूसरी तरीके से हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो है, अगर गोल अच्छा है तो शिक्षा भी अच्छी है. देयर मे बी और गोल्स कैसे कैसे हो सकते हैं, इंडिविजुअल गोल हो सकता है लर्नर का, मतलब हमारा अपना गोल कि हम टॉप कर लें, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए या ऐसा कुछ. सॉरी, हाँ थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, लेकिन ये बहुत डीले हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर दिया जाए, आपसे बातचीत कर ली जाए. द इंस्टीट्यूशनल गोल्स, यानी कि जो संस्था है उसका गोल क्या है, या समाज का गोल क्या है, यानी कि सामाजिक लक्ष्य हो सकता है, संस्थागत लक्ष्य हो सकता है, आपका इंडिविजुअल लक्ष्य हो सकता है. अगर ये तीनों लक्ष्य बढ़िया हो रहे हैं, शिक्षा परिपूर्ण कर रही है, इसका मतलब शिक्षा जो है वो क्वालिटी वाली है, अच्छी है, गुणवत्तापूर्ण है, क्वालिटी फुल है. ठीक है, फिर इश्यूज इन क्वालिटी इन एजुकेशन, हम किन किन इश्यूज को लेके चले
हम जब बात करें शिक्षा में गुणवत्ता की, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्या क्या है? स्कूल इफेक्टिवनेस, अगर आपका विद्यालय प्रभावी है, प्रभाविकता पूर्ण अपने कार्यक्रम कर रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यानी कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी किसकी लेते हैं? हम विद्यार्थी की जिम्मेदारी लेते हैं, उसके सेटलमेंट की, उसकी उसके प्लेसमेंट की, उसकी पढ़ाई लिखाई की, उसके लर्निंग आउटकम की। तो फिर स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट, अगर आप विद्यालय आधारित प्रबंधन बढ़िया है, तो यानी कि स्कूल इफेक्टिवनेस, ये देखिए मैंने बोल्ड कर दिया है, स्कूल इफेक्टिवनेस बढ़िया होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर होना चाहिए, स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है मैनेजमेंट का, तो निश्चित रूप से आप बढ़िया करेंगे स्कूल में। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव देखें, तो कह रहे हैं कि ह्यूमन एंडेवर इज टू मूव फ्रॉम द रिलेटिव पोजिशन इन द एनिमैलिटी डिविनिटी कंटिन्यूअम टुवर्ड्स डिविनिटी द क्वालिटी चेंज। वो कह रहे हैं कि अगर आप अध्यात्म की तरफ, डिविनिटी की तरफ, ईश्वरत्व की तरफ जाते हैं, तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। इंडियन फिलोसफी अटैचेस ग्रेटर सिग्निफिकेंस टू माइंड। अगर मन को आप महत्ता दे, माइंड मस्तिष्क को महत्ता दे रहे हैं, मस्तिष्क आपका प्रफुल्लित है, पुष्पित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो कह सकते हैं आप क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन है ना, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन है। फिर गोल, गोल बढ़िया हो, गोल बढ़िया ही ना हो, वर्थ वाइलनेस भी हो, मतलब गोल का कोई कीमत भी हो, ऐसा भी नहीं कुछ भी गोल हो, तो इश्यूज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के क्या क्या हो जाएंगे? स्कूल इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस टू माइंड और वर्थ वाइलनेस ऑफ गोल। गोल्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि वर्थ वाइलनेस ऑफ द गोल्स। फिर अगर हम डायमेंशंस देखें स्कूल क्वालिटी को, हम देखें कौन कौन से आयामों से हम चेक कर सकते हैं कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है, तो तीन इसके आयाम है, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स, है ना, विद्यार्थी, यही तीनों के तो इर्द गिर्द सारी पढ़ाई लिखाई चल रही है। डेविस और एलिसन ने कहा कि हम स्कूल क्वालिटी को तीन पैरामीटर्स के परसेप्शन ऑफ रेस्पॉन्डेंट, यानी इन्होंने कोई क्वेश्चनेयर बनाया होगा और रेस्पॉन्डेंट इन्होंने तीन लिए, मतलब तीन लोगों से भरवाया उसको, स्टूडेंट से, टीचर से, पेरेंट्स से, और पाया कि क्वालिटी के कौन कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं। तो इन्होंने पाया कि स्टूडेंट्स के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है? क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सबसे उच्चतम पॉइंट है ना, अगर बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो रही है तो बढ़िया है। सेटिस्फेक्शन विद स्टाफ, अगर जो विद्यार्थी है उसके संग जो स्टाफ है, मतलब आपका टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो बढ़िया तरीके से बिहेव कर रहा है तो बढ़िया है। कम्युनिकेशन अगर है तो बढ़िया है। स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, अगर बच्चे उस विद्यालय के अच्छा व्यवहार करते हैं, डिसिप्लिन है, तो बढ़िया है। क्वालिटी ऑफ स्कूल फैसिलिटी, स्कूल जो उनको फैसिलिटी देता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका क्लासरूम कैसे मैनेज है, वॉशरूम्स कैसे हैं, सैनिटरी हाइजीन का क्या कंसेप्ट है, ये सब। फिर जनरल फैक्टर्स लीडिंग टू सेटिस्फेक्शन और एक्सटेंट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिल रहे हैं, तो ये क्वालिटी एजुकेशन क्या डायमेंशन है स्टूडेंट्स के लिहाज। पेरेंट्स के लिहाज से क्या है? क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इनका भी है, सेटिस्फेक्शन विद स्टाफ यहाँ भी है, कम्युनिकेशन यहाँ भी है, स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स फैसिलिटी, क्योंकि पेरेंट को क्या चाहिए, यही सब उसको भी चाहिए, और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन विद स्कूल हो, और रोल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि पेरेंट जो है वो पीटीएम वगैरह में या जब भी विद्यालय जाता है तो मैनेजमेंट से, गवर्नर से उसकी बातचीत होती है, तो वो बढ़िया होना चाहिए। टीचर्स के लिए क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन बढ़िया हो स्कूल में, क्वालिटी ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि क्या दशा हम स्टाफ को दे रहे हैं काम करने की, वो उसके स्टाफ रूम का क्या हिसाब किताब है, उसकी कितनी क्लासेस लगी हैं, कितना वर्कलोड है, कितना फ्री पीरियड है उसके पास ताकि वो कुछ कर सके, कुछ भी इस तरीके का वर्किंग एनवायरनमेंट, उसके जो आसपास कलीग्स हैं उनके संग कैसा रिलेशनशिप है, उसके प्रिंसिपल से क्या उसका रैपो है ना। प्रोफेशनल इन्वायरमेंट स्कूल में कैसा है, मतलब उसको आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं कि नहीं, उसको कुछ अपने पर्सनल इन्हेंसमेंट के लिए ड्यूटी लीव मिलती है कि नहीं, ठीक है, प्रोफेशनल सपोर्ट ऑफर टू द टीचर्स, इसका यही मतलब कि ट्रेनिंग वेनिंग कभी कभी होती है कि नहीं स्कूल्स में, गवर्निंग बॉडी का क्या रोल है, और जनरल सेटिस्फेक्शन इन स्कूल। ये तो मतलब जनरल क्राइटेरिया है कि ये अगर ठीक है तो स्कूल में इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छी पढ़ाई लिखाई चल रही है। फिर स्कूल असेसमेंट फ्रेमवर्क भी होता है कि हम स्कूल को कैसे नापेंगे, हम विद्यालय का आकलन करने जा रहे हैं और हमने उसका एक नमूना बना लिया है, तो हम किन किन मुद्दों पर विद्यालय को नापें, आंकें और बताएं कि ये कैसा विद्यालय है। तो देखिए इसके पांच पैमाने हैं, पांच पैरामीटर है। स्टूडेंट लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विद्यालय की बिल्डिंग कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, रेशियो कैसा है,
ये सब बाद में आता है, सबसे पहले कि जो विद्यार्थी वहां से पढ़ के निकल रहा है उसका अधिगम का स्तर क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है, फिर टीचर कॉम्पिटेंसी। जब तक टीचर कॉम्पिटेंट नहीं होगा स्टूडेंट लर्निंग अच्छी हो ही नहीं सकती, यानी कि जो शिक्षक है वो कितना दक्ष है। फिर पेरेंट सेटिस्फेक्शन, विद्यार्थी के विद्यालय से उसका अभिभावक कितना संतुष्ट है। मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जो प्रबंधन तंत्र है वो कैसी प्रैक्टिसेस चलाता है स्कूल में, और इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब बच्चे का मन लगता है ना वहाँ पे, तो स्कूल एज वेल एज लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें दोनों देखा जाएगा। मतलब स्कूल की बिल्डिंग विल्डिंग तो सब ठीक है, क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। तो ये बहुत ब्रॉड पैमाने हैं और ये सब कुछ कवर कर लेते हैं, ये स्टूडेंट लर्निंग कैसी है, टीचर कितना कॉम्पिटेंट है, पेरेंट कितना सेटिस्फाइड है, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। फिर जो CBSE, आपको पता है कि बहुत सारे बोर्ड्स चलते हैं हिंदुस्तान में, जिसमें से CBSE बहुत प्रोमिनेंट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका एक SQAA होता है। क्या है SQAA? स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन। जैसे हायर एजुकेशन में एक्रीडिटेशन होता है, वैसे स्कूल लेवल पे भी होता है। तो इनका जो SQAA है वो बहुत होलिस्टिक है, मतलब बहुत बहुत संपूर्णता से सारे पैमानों को, सारे आयामों को कवर करता है। क्या क्या कवर करता है? ये स्कॉलेस्टिक एंड कोस्कोलेस्टिक डोमेन है ना, मतलब विद्यालयी और सह विद्यालयी जो भी इसके आयाम है वो सब आ जाएगा। कितना पढ़ाई होती है, बच्चे का आउटकम क्या है, रिजल्ट कैसा रहता है, बच्चे कितना टॉप करते हैं, कितना सेलेक्ट करते हैं, कितनी को करिकुलर एक्टिविटीज में वो विद्यालय पार्टिसिपेट करता है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सब कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय का कितना बढ़िया है, कितनी सुविधा देता है वो। ह्यूमन रिसोर्सेज में सब कुछ आ जाएगा आपका, टीचिंग, नॉन टीचिंग, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, एवरीथिंग। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आ ही गया। लीडरशिप, देखिए जब तक विद्यालय का प्रिंसिपल बढ़िया लीडर नहीं होगा तब तक विद्यालय कभी प्रगति नहीं कर सकता, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बात है। एंड बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन, बेनिफिशियरी क्या मतलब, जो लाभ लेने वाला है, कौन लाभ लेने वाला है विद्यालय से, विद्यार्थी, अभिभावक और समाज भी है बेनिफिशियरी, ठीक है। तो ये होलिस्टिक है, और स्कॉलेस्टिक एंड कोस्कॉलेस्टिक डोमेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल एरियाज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप और बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन, इन पैमानों पर CBSE के स्कूल्स का क्वालिटी असेसमेंट और एक्रीडिटेशन होता है। फिर क्या करेंट प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स चल रहे हैं स्कूल क्वालिटी स्कूल एजुकेशन के लिए, मतलब जो तात्कालिक कार्यक्रम चल रहे हैं, आपकी तात्कालिक सामाजिक सरकारी पहल चल रही है कि हम बढ़िया गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा देंगे, तो सबको पता है NEP 2020 ने बहुत सारी बातें कही हैं, उनके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान देखिए आप सर्व शिक्षा अभियान जान गए हैं, सर्व शिक्षा अभियान क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन तक, मतलब हमको UEE अचीव करना है, तो उसी को कहा गया क्यों ना आप एलिमेंट्री एजुकेशन से लेवल बढ़ा के सेकेंडरी एजुकेशन तक ले लीजिए, तो वो समग्र शिक्षा अभियान हो गया। तो इसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका काम क्या क्या है कि जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनकी हम संरचना बढ़िया करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, समतापूर्वक शिक्षा देंगे, डिजिटल एजुकेशन की बात, क्योंकि अब डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है, होगी, और हम उनको व्यावसायिक शिक्षा भी देंगे। ये सब समग्र शिक्षा अभियान के ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसी तरह से RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसका क्या क्या काम है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगा। उसी तरह से रूसा भी आ गया है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है ना, तो सब आपको पता होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग, टीचर को ट्रेन करेगा ताकि बढ़िया पढ़ा सके शिक्षक। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम को अपडेट किया जाएगा, ऑब्सोलीट करिकुलम इतने सालों से चला आ रहा है सब बढ़िया करेंगे ताकि हम बढ़िया शिक्षा दे सके। फिर ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, आपको पता होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था बहुत पहले, अब ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की बात है। इसमें क्या होगा कि हम डिजिटल क्लासरूम्स बनाएंगे विद्यालयों में, डिजिटल कंटेंट को डेवलप करेंगे ताकि विद्यार्थी का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको सुधारा जा सके। और नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS है ना, ये भी बहुत पुराना नहीं है, रीसेंट है ये भी। ये किस लिए बनाया गया है, टू असेस, ताकि हम आंक सकें, क्या आंक सकें, स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम इन वेरियस सब्जेक्ट्स, मतलब तय कर दिया गया है कि इस क्लास के बच्चे का इस सब्जेक्ट में इतना लर्निंग आउटकम होना चाहिए। तो आप NAS एक करवा दीजिए सर्वे पूरे विद्यालय के सभी स्कूलों के सभी बच्चों का, तो आपको पता चल जाएगा बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं। दिस इससे क्या होगा, हमको फीडबैक मिलेगा, पॉलिसी मेकर्स को हम बताएंगे कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कहाँ पीछे लैग कर रहे हैं और कौन से एरिया हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है और उनमें सुधार करेंगे, ठीक है। तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक टू, दैट इज क्वालिटी पैरामीटर्स इन सेकेंडरी एजुकेशन।
इतना आसान नहीं था इसका मैटर मिलना, तो मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिया है, पढ़िए, याद करिए, सीखिए, समझिए, और बहुत कुछ लिख सकते हैं आप इसमें अपनी समझ से, ठीक है? तो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माय साइड.